हिंदी सिनेमा के उस महान डायरेक्टर को प्रणाम, प्रोड्यूसर को प्रणाम, जिसने हमें बेहतरीन फिल्में दी। धूल का फूल, दाग, वक्त, दीवार, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ यश चोपड़ा साहब, यश जी की। मेरे मेहरबान दोस्तों, हम सब जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग, यश जी किसी भी तरह के नशे पत्ते में इन्वॉल्व नहीं थे, सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी, शराब, कुछ नहीं। मगर फिर भी एक बार वो दिन आया कि उन्हें किसी ने बियर के 2-3 घूंट अटकवाई दिए। ये पिलाने वाला कौन था और ये कौन सा दिन था, ये बात आपको सुनाता हूं। हुआ यूं कि फिल्म दाग की म्यूजिक सेटिंग चल रही थी और इस म्यूजिक सेटिंग में मौजूद थे यश जी और फिल्म दाग के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और दाग के हीरो राजेश खन्ना। दाग के गीत लिखे थे साहिर साहब ने। सारे लोग बैठे हुए थे। अभी तक उन्होंने जितनी भी फिल्में की थीं वो सब अपने बड़े भाई स्वर्गीय श्री बीआर चोपड़ा के प्रोडक्शन के बैनर तले की थी। ये पहला मौका था जब यश जी ने अपने बल पर कुछ करने की ठानी। इससे पहले वक्त हो या धूल का फूल हो, इनमें इनके म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे रवि साहब। लेकिन पहली बार जब अलग हुए दोनों भाई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को यश जी ने साइन किया। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, साहिर साहब, यश जी और फिल्म के हीरो राजेश खन्ना, लक्ष्मी जी ने बाजे के ऊपर धुन छेड़ी और साहिर साहब के गीत भी गुनगुनाने लगे। मेरे दिल में आज क्या है, ये मुखड़ा पूरा हुआ कि राजेश खन्ना साहब उछल पड़े और एक्साइटमेंट में कहा कि बस कमाल का गाना बना है, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, ये हिट सॉन्ग है, ये बाजा पेटी अब हटाओ और खुशी में निकालो बोतल, ड्रिंक्स विंक्स मंगाओ, और फटाक दन से जश्न का माहौल हो गया। बोतल मंगाई गई और फटाफट ग्लास मंगाए गए, आइस क्यूब्स मंगाए गए और उन्होंने बोतल खोली और ग्लासेस भरना शुरू कर दिया। अब यश जी ड्रिंक्स तो लेते नहीं थे, पीना शुरू हो गया। राजेश खन्ना ने कहा नहीं, ये गाना सुपरहिट गाना है यश जी, आज आपको पीना ही पड़ेगा। यश जी ने बड़े समझाने की कोशिश की कि भाई मैं पीता नहीं हूं, लेकिन फिर भी पास पड़ा हुआ बियर के ग्लास को मुंह से लगा दिया राजेश खन्ना ने और यश जी को 2 घूंट 2 ड्रॉप मुंह में लेने ही पड़े। टी टोटलर यश जी का शायद यही एक इंसिडेंट होगा जब मेरे हिसाब से उनके उनके गले के नीचे कोई अल्कोहल गया होगा। तो इस तरह से ये घटना थी जो हमारे साथ शेयर की थी आदरणीय श्री प्यारेलाल जी ने। क्यों आनंद बख्शी मूसलाधार बारिश में भी चल दिए पैदल बोरीवली से बांद्रा, बताऊंगा वापस लौटकर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।